I'm going to ask now Lakshanda Nas, who's just come from SWAT, despite all the problems and impediments. मुझसे बात हुई थी इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन के उस पर, तो मैंने कुछ इंफॉर्मेशन उस पर भी रखी है, लेकिन जब जब सभा बात कर रही थी और दूसरे ने भी बीच में ऐड किया सवाल का, तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे लिए बेहतर होगा, खासतौर पे आप लोगों के लिए भी, कि बहुत करंट एक करंट सिचुएशन जो है उसके ऊपर अगर थोड़ी सी और बात हो जाए, क्योंकि हमने आईडीपीज के कैंप में या ऑफ कैंप के उस हवाले से काफी बातचीत की है। इस वक्त सूरत हाल जो है, लोग जो खासतौर पर जो डिस्प्लेस पर्सन हैं, जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में थे या अपने ही सूबे के अंदर थे, वो लोग वापस जाना शुरू हुए हैं। लेकिन एक चीज जो सवाल का जिक्र आया तो मेरे जहन में आ रही थी कि सैटरडे को मैं एक कैंप में थी, वो कैंप जो रिलीफ के लिए 5 कैंप बनाए गए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, क्योंकि सवात में जो लोग वापस गए हैं तो सिर्फ मेंडोरा और सैदू शरीफ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे लोगों की मूवमेंट हो सकती है, और वो भी शाम 6 से 6:30 बजे तक। उसके बाद नॉर्मली जो है, वैसे तो 8 बजे कन्फर्म है कर्फ्यू, लेकिन 6:30 के बाद जो है वो कर्फ्यू हो जाता है, तो वो मूवमेंट वहाँ पर भी, उन दो इलाकों में रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो मैं खवातीन के साथ, क्योंकि हम लोग आजकल टेस्टिमनी इकट्ठी कर रहे हैं कि सारी जो है वार अगेंस्ट टेरर ने खासतौर पे जो वेमेन हैं उनके ऊपर क्या, क्योंकि ये जो जंग है ना, ये हमारे ऊपर कोई आज की नहीं है, ये अफगानिस्तान की है। उस वक्त कि जब रेफ्यूजीज बनकर हमारी खवातीन आ रही थी वहाँ से, अफगानिस्तान से, तो उस वक्त भी हमारे लिए जंगी में की हालत में हम थे, जो हालात थे। और ये भी मैं बता दूं कि रेफ्यूजी जो अफगान रेफ्यूजीज हैं, आज भी बहुत सारे हिस्सों में, बहुत से लोकेलिटीज में वो मौजूद है पूरे सूबे में, तो उसमें और खसूसन सेंट्रल उसमें, तो वो रेफ्यूजीज और साथ में जो है ये अब इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन। और मैं आज भी बहुत हैरत में हूँ कि क्लास 5 की स्टूडेंट के साथ मैं बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी दूसरी कलीग्स जो है वो इकट्ठी कर रही हैं टेस्टिमनीज को, बाकायदा रिकॉर्ड किया जा रहा है, मुख्तलिफ खवातीन हैं हमें, जिसमें वर्किंग भी है, विलेज की भी है, हाउसवाइफ्स भी हैं, वो औरतें जिन्होंने अपने बच्चे खोए, वो औरतें जिन्होंने उस पर क्या कहते हैं उसे, अपनी फैमिली मेम्बर्स को। तो मैं इतनी हैरान हूँ कि सारी सिचुएशन ने बच्चों के ऊपर कैसे इफेक्ट किया। वो इकट्ठा कर रही थी, टेस्टिमनीज रिकॉर्ड हो रही थी, तो मैं कुछ बच्चियां जो अपनी माओ के साथ आई हुई थी वो खुराक उठाने के लिए, तो मैं उनके साथ अलग होके बैठी कि इनके साथ बातचीत की जाए। तो क्लास 5 की बच्ची को मैंने कहा तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने मुझे कहा कि हमें हमारा सवात वापस जाए। ये एक बहुत अडल्ट की स्टेटमेंट है, लेकिन आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि सारे कॉन्फ्लिक्ट ने बड़ों से लेके बच्चों को किस तरह इस पे इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट किया। बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन है। इस वक्त ये वो फैमिलीज हैं कि जो वापस गई हैं इन इलाकों में, बुनेर, सवात। आप ये शिरकत गाह से ले सकते हैं कि मैं बहुत सारे नंबर्स में नहीं जाना चाहूँगी, और यहाँ यहाँ पर ये फैमिलीज, बावजूद इसके कि वो निकल नहीं सकते, बावजूद इसके कि हर 5 दुकानों में से सिर्फ 2 दुकानें वहां पे खुली हुई हैं, बाकियों पर आज भी ताला है, या वो लूट ली गई हैं और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो उन शॉप्स में कुछ मटेरियल। इसी तरह अगर आप सैदू शरीफ और मेंगोरा के, क्योंकि मट्टा कबल और ये इर्द गिर्द के जो इलाके हैं या जहाँ पे बुनेर में लोग वापस गए हैं, वहां पे आपको हर चौथा घर जो है उसको ताला मिलेगा। उसके ऊपर यह है कि उन घरों में या तो वो लोग अभी तक जो है इन इलाकों से वापस नहीं गए, और फिर उनमें से आपको हर तीसरा घर वो मिलेगा कि जिनको जो सपोर्टर थे तालिबान की, मुख्तलिफ या तो हिस्सा थे उस सारे प्रोसेस का या इन्फॉर्मर थे। आपको इन इलाकों में कोई ऐसा मोहल्ला नजर नहीं आएगा कि जिसमें आपको 1-2 घर जले हुए ना मिले, और वो जले हुए घर जो है उसकी, उनकी भी एक मुख्तलिफ कहानी है कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी आर्मी आई
और उन्होंने लोकेलिटी के लोगों को कहा कि इसमें से जो सामान उठा सकते हो आप उठा दो, क्योंकि हम इसको ब्लास्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू शुरू में घरों के अंदर जो है वो छोटे बम रख के उन घरों को उड़ाया गया। फिर लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप उनका घर तो उड़ा देते हो, आधे घर में हमारे भी, तो जो मोहल्ले के घर है पूरे स्ट्रीट के, तो करीबी घरों में आपको क्रैक्स नजर आते हैं। तो फिर उनकी रिक्वेस्ट पे फिर उन्होंने उड़ाने के बजाय अब घरों को जलाना शुरू किया है। तो उस पे उन्होंने कहा कि हमें जब कहा जाता है कि आओ इनके घरों के सामान उठा लो, तो ये तो हमारे अपने ही लोग हैं, तो हम इनके घरों का सामान कैसे उठाएं, क्योंकि तो कब तक ये आर्मी यहाँ पर रहेगी और क्या होगा, ये वो सारी सवाल का मंजर है कि इस वक्त जितने भी स्कूल हैं उनकी छतें जो है वो वहां पे आर्मी गन्स लेके बैठी हुई है, और सिर्फ जो है अगेन इन्हीं दो लोकेलिटी के स्कूलों में बच्चे और फिर कुछ स्कूलों में बच्चियां जा रही हैं। तमाम इस वक्त बड़े जितने भी होटल या बिल्डिंग्स हैं, कुछ तो पहले रॉकेट से और इन जगहों से वो टूट गई थी, कुछ को खुद तोड़ के वहां पर जो है वो जगह जगह आर्मी ने अपने मोर्चे वहां पे बनाए हैं। तो आप जब गुजरते हैं, और तीसरा इसमें यह है कि आप जब रोड पे होते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं पता कि किस वक्त आपका रोड जो है वहां से बंद कर दिया जाए, क्योंकि हर 10 मिनट बाद 4 से 5 का कन्वाय जो है वो आर्मी की गाड़ियों का बाकायदा सायरन के साथ, जो एक अजीब सा टेरर होता है क्योंकि लोग फिर सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं कि अब क्या हो रहा है, तो उसमें वहां से वो घूमती है, फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, और फिर आपको पता चलता है कि जिस रास्ते से आप गुजर कर आए तो उस रास्ते से आप वापस नहीं जा सकते, और खासतौर पर जब तक ये अपने रूट पे हो, क्योंकि 2-3 जगहों पे हम इसी तरह। अच्छा, उसके अंदर एक और चीज नजर आती है कि फिर वो 5 जो इलाके हैं, क्योंकि लोग जो है वो या तो आधी रात को या सुबह रोजा रख के, बूढ़ी औरतें हैं, बच्चे हैं अपने साथ या बाकी जो लोग हैं वो अपने लिए खुराक लेकर आते हैं। 3 चीजें, एक और बहुत विजिबल चीज है वहां पे जगह जगह पे फिर आपको ढेर नजर आते हैं, तो जो पंजाब से आटा गया है 2 भाइयों की तस्वीर के साथ, और या USA का जो है आटा वो आपको बहुत ढेर, और वो ये वो है कि आपको औरतें बहुत नजर आती है कि वो लेके मुख्तलिफ जगहों पे 4-4, 5-5 औरतों का ग्रुप उस आटे के साथ उस खुराक के साथ गाड़ियों में बैठ के और उन सवात में घूम फिरा या अपनी जगहों पे वो जा रही होती है। इस ये एक सूरत हाल है। दूसरा, रोड के ऊपर आप जो लोग नजर आते हैं जो चीजें बेचते हुए, आपको हैरानगी होगी कि इस वक्त जब हम उन्हें पूछा वहां पे कि ये आप आड़ू किस तरह किलो दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी 20 रुपए। तो लोगों को लगा कि शायद ये मजाक, उसने कहा कि नहीं, यही कर्फ्यू के बगैर का टाइम है, और इस वक्त हमारी क्योंकि मोबिलिटी का इतना प्रॉब्लम है, जो बाहर के इलाके हैं वहां से यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, लेकिन लोगों के लिए मजबूरी ये है कि जो उनको पैसा मिल रहा है, हमने खुद जो है वहां से फल वगैरह इसलिए खरीदे कि आप वहां पे ले रहे थे, तो उन्होंने कहा जी ये शाम तक खत्म हो जाएंगे, और हमें नहीं पता कि हमें ये 20 रुपए किलो का जो ये हम बेचना चाह रहे हैं कि हमारा फल कल तक रहेगा भी सही हालत में, और हमें ये पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इस वक्त ये जो पूरा नवाए शहर है या जो भी नवीदे शहर वहाँ पे के तहत लोग गए हैं, तो ये इस सूरत हाल में वहाँ पे लोग रह रहे हैं रिहैबिलिटेशन का। इसमें क्विकली मैं आऊंगी कि मैं किसी भी उस पर नहीं जाना चाह रही क्योंकि मुझे पता है टाइम यहाँ पे थोड़ा है मेरे पास। ये वो फैमिलीज हैं कि जो 3-4 फेजेस में सवात की तरफ और मालाकंड और उन इलाकों में गई। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त मैं जिसको डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये सूरत हाल है, उन लोगों को इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है, और फिर अभी तो ये वो है कि जहाँ पे आपको एक्सेस है। इसमें वो लोग जो साउथ वजीरिस्तान से हैं, जो सबसे पहले 9/11 के बाद जो कराची में 5,000 फैमिलीज जो है वो यहाँ से IDPs होकर गई थी, उनके लिए कोई प्लान या उनकी कोई इंफॉर्मेशन या उसकी जो एक्सेस है वो नंबर्स इसमें शामिल नहीं है। अभी रिसेंटली हमने जो है गवर्नमेंट को सबमिट किया एप्लीकेशन कि जो पाड़ा चनार की तकरीबन कोई 3,500 फैमिलीज हैं, और खासतौर पे वो लोग जो पिंडी इस्लामाबाद से हैं, अगर वो चाहें तो हसन अब्दाल में 15 फैमिलीज हैं तकरीबन के जो आके पाड़ा चनार से सेटल हुई हुई हैं,
तो अगर आप उन औरतों से मिलना चाहें तो आपको नजर आएगा कि फाड़ा चनार में इस वक्त पूरब एजेंसी में क्या हो रहा है, क्योंकि वो पूरी जंग उन औरतों के चेहरे पे लिखी हुई है। हमारी पुलिस जब टेस्टिमनीज इकट्ठी कर रही थी तो वो कह रही थी कि उन्होंने कभी इतने ऐसे पत्थर के चेहरे नहीं देखे, यानी खौफ से उनके चेहरों के जो फीचर्स हैं, जो फैमिलीज वहाँ पर रह रही हैं, तो वो ये वो फैमिलीज हैं कि जिस हालत में उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि बहुत दफ़ा उनको इनको हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया है वहाँ से। नॉर्मली अगर कोई क्राइसिस होता है और आपको कितने लोगों को हेलीकॉप्टर मिल सकता है, वो वाया अफगानिस्तान जो है वो पेशावर के अंदर आते हैं, वो जो करीबी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे नहीं आ सकते। ये सूरत हाल है उन लोगों की। अगर उनका कोई बीमार हो तो जो गाड़ी की एक नॉर्मल कॉस्ट है पाड़ा चनार से पेशावर डबदरी जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं वहाँ पहुँचने तक उनको 30,000 रुपये चाहिए। एक गाड़ी 30,000 रुपये होंगे तो वो वाया अफगानिस्तान पेशावर के किसी हॉस्पिटल में पहुँच सकेंगे। इस वक्त प्रोसेस ये है कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस उनके लिए रुका हुआ है। ये तकरीबन हमने 3,000 फैमिलीज का केस जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखा है कि जिनको बाकायदा पहले रजिस्टर किया गया और फिर डी रजिस्टर कर दिया गया कि जी पाड़ा चनार और जो है वो उनको अभी रजिस्टर नहीं करना। इस वक्त जो डीए खान में रजिस्ट्रेशन हो रही है और टांके, उसमें बाकायदा इसका सबूत मौजूद है कि आज भी तालिबान जो है वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की जगह पे मौजूद है और औरतों को कहा जाता है कि आप फौरन अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और यहाँ से आप निकलें। तो ये इस वक्त ये वो इलाका है, लेकिन ये जो मैं बात करने जा रही हूँ कि ये सूरत हाल है कि उनकी ना रजिस्ट्रेशन है ना उनके लिए अभी कोई ऐसा प्लान है, क्योंकि जो अर्ली रिकवरी प्लान है वो अभी सिर्फ फोकस करता है मालाखंड को, वो साउथ को नहीं करता फोकस। देखिए कहने को पाटा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, यूएसएड के भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के वहाँ पे प्लान चल रहे हैं, लेकिन एज सच एक आईडीपीस के होने के नाते जो साउथ के लोग डिजर्व करते हैं वहाँ पर कोई एज सच प्लान अभी नहीं बनाया गया, क्योंकि ना प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है और ना डिटरमाइन कर पाए कि उन लोगों के क्या इश्यूज हैं। साउथ में अभी तक आपको जो है वो एनओसी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सेस डिनाइड है, आप अभी नहीं जा सकते। लेकिन जहाँ पे आप जा सकते हैं वहाँ पे आपको एनओसी लेना होगा अपने तमाम पर्टिकुलर्स, तमाम प्रोजेक्ट्स सबमिट करके, फिर उसके बाद गाइडलाइन जो है ना वो सारी फोकस करती है औरतों को, और सिर्फ उन्होंने कह दिया जी आप एनओसी ले लें और फिर आप एक दफा एनओसी ले लें, फिर उसी की बेस पे आप इंफॉर्मेशन देते रहे, लेकिन फिर आपको बार बार एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बारहा जो ये प्लान है 70% वो औरतों के बारे में बात करता है और वो कहता है कि एक तो ये कि आप जो जाएंगे तो पहले इन्फॉर्म करेंगे कि खवातीन जा रही हैं और अकेली खातून इन इलाकों में ट्रेवल अब नहीं कर सकती, और इसके लिए दो कंडीशंस उन्होंने लगाई हैं, एक तो ये कि आपके साथ एक औरत का होना लाजमी है और दूसरा अब वहां पे बाकायदा महरम का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि फील्ड में आपके साथ जो है महरम, और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर मेरी तनख्वाह 6,000 रुपये है तो मुझे महरम ले जाना है तो उसका खर्चा मुझे खुद देना होगा। ये नहीं है कि अगर मेरे लिए कंडीशन है महरम की तो वो महरम का खर्चा जो है वो मेरा प्रोजेक्ट या वहां पे ये उठाए। अच्छा, फिर उसके साथ साथ बार बार कहा जा रहा है कि जी आप औरतें जो है उनका ड्रेस कोड कैसे होगा, वो गाड़ी की जो है वो ऑफिशियल गाड़ी में अगर मत ज्यादा हो तो वो तब आगे बैठ सकती है, अदरवाइज उसको फ्रंट सीट पे बैठने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इससे लोगों की फीलिंग्स जो है वो हर्ट हो सकती है और वो आपको रिएक्ट करेंगे। आप जो है वहां पे बड़ा क्लियरली लिख दिया है कि औरतों के लिए किसी किस्म की इमोरल एक्टिविटीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो उसमें क्या कहते हैं उसे आपके लिए लेट वर्किंग आवर्स में आप जो है वो वहां पे एज ए वुमेन नहीं बैठ सकते। आपको मीटिंग्स के लिए उन्होंने कहा है कि जी ये ऑब्जर्व किया गया है कि वहां पे लोग जो है वो इकट्ठे बैठे हैं, तो आज इस गाइडलाइन के मुताबिक आप मालाखंड में काम करेंगे
तो एक तो आपकी मीटिंग के लिए दरवाजा बंद नहीं होगा, क्लोज डोर मीटिंग जो है उसकी परमिशन नहीं है, खसूसन जब मर्द और औरत जो है वो बैठे हुए हो। और साथ ही में ये है कि जो वर्कशॉप और सेमिनार है उसमें आपको औरतों के लिए एक अलग जगह का इंतजाम करना होगा। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी लोग जो है वो आपके खिलाफ ये रिएक्ट कर सकते हैं। और जो ऑफिसेज भी सेट किए जाएंगे उसमें भी मर्दों और औरतों की जो है वो सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट होगी, आप एज एन टीम किसी भी रूम में वहां पे नहीं बैठ सकते। ये तमाम ड्रेस कोड मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि जी उन्होंने कहा कि आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, आपके कपड़े क्या होंगे कि जो खसूसन आप वहां पर जो फीमेल स्टाफ जाएंगी और उसको लेकर देखेंगे। देखिए ये पीडीएमए है, डिपार्टमेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटी है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये बकायदा नोटिफिकेशन इशू हुआ और अच्छा फिर उसके बाद बहुत क्विक सा मैं आखिरी उस पर आ रही हूँ कि जो अर्ली रिकवरी प्लान है ये टोटल कॉस्ट आपके सामने है। अभी तक अर्ली रिकवरी प्लान जो है वो कहीं पर भी अपने लिए आपको बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको वो कॉस्टिंग की भी नजर आएगी, खसूसन कि जिस गांव को बुनेर में सुल्तान बस को खराब किया गया था बिल्कुल वहां पे बहुत बड़े 10% हाउसेस या आप कह सकते हैं उस पूरे गांव में जो गवर्नमेंट के अपने फिगर है कि 10% फैमिलीज या लोग वहां पर बच सके हैं अपने घरों समेत, बाकी सब कुछ उसी डेब्रिस का हिस्सा है या वहां से IDPs हो चुके हैं। तो एज सच अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि अगर स्कूल जो कि सबसे ज्यादा बच्चियों के डैमेज हुए थे या जो सूरत हाल थी उनके लिए, या वो औरतें जो डिस्प्लेस हुई थी एज ए वेमेन हेल्थ वर्कर्स या प्रोफेशनल वेमेन, उनकी वापस री इंटीग्रेशन का क्या होगा, और ये उस अर्ली रिकवरी प्लान में नहीं आया। एक छोटा सा आगे भी मैं ये दिखा दूं कि एडवोकेसी नेटवर्क बनाया गया है ये 17 कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, अब तो हमें लगता है कि हमें कहना चाहिए कि हमारे 24 के 24 एरियाज कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज, यानी 24 डिस्ट्रिक्ट्स और 7 ट्राइबल एरियाज। तो ये एक रिक्शा कंपेन शुरू की है इन इलाकों में भी और उसमें प्रोविंशियल कैपिटल में कि जिसमें बाकी इश्यूज तो है लेकिन ये वाला जो बैनर है ये प्योरली कवर करता है कि औरतें कमेटीज बन रही है, कम्युनिटी पुलिस को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो इसमें कुछ है कि एक तो ये रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन का जो प्रोसेस है इसमें औरतों को शामिल किया जाए, ये एक डिमांड्स जो है वो नजर आ रही है। इसी के साथ साथ जगह जगह पर एक डिमांड इस सूरत में भी हमने लगाई है कि औरतों के लिए उन्हीं इलाकों में एक कंपेन शुरू हुई है अमन तहरीक की तरफ से कि जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि असल प्रोसेस क्या है और क्या क्या हालात हैं और हमारा इसमें क्या रोल होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं कि जिसको मैं समझती हूँ इसमें, और बहुत सारी वो है सवात में जहाँ पे लोगों का खौफ में मैं आखिरी बात करना चाहूँगी कि मैं जितनी भी खवातीन के साथ वहाँ पर बैठी या जितने भी घरों में बैठी, दो चीज़ें बहुत अहम थी इस सारे में, वापस मैं आती हूँ कि लोगों की इस वक्त क्या है। एक तो खौफ आज भी है और वो सब सवाल करते हैं कि यहाँ पे हमें कहा जा रहा है कि ईद के तीसरे दिन फिर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो वहाँ पर रिजॉल्व नहीं हुआ, ईद के तीसरे दिन के लिए तैयारी कर लो आपको फिर निकलना पड़ेगा। और ये बात स्कूल की बच्चियों में भी थी और ये बड़ी औरतों में भी, और ये टीचर्स के ग्रुप ने कहा कि हमारे स्कूलों में ये बात घूम रही है हमारे मोहल्लों में, चाहे ये रूमर ही हो लेकिन एक फजा वहां पे बन चुकी है कि हमें फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा। और दूसरा जो जिन वहां पे जो लोग मौजूद हैं उनका है कि यहाँ पे हमारे जो इश्यूज हैं खासतौर पे वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, खसूसन सर्वाइवल के, लेकिन जो सिस्टम है खासतौर पे जो नादरा की जो प्रॉब्लम है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, या वो जो कैश अवॉर्ड किया गया कि जी आप 25,000 ले लें, या वन टाइम जो वो दी जा रही है क्या कहते हैं उसे सपोर्ट के, आपको कुछ बेसिक घर का सामान मिलेगा,
तो इस वक्त गवर्नमेंट का अपनी रिपोर्ट है कि उसको हार्डली 30% लोग जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है कि वो क्योंकि आईडी कार्ड्स के मसले हैं कि इशू नहीं हो रहे हैं, और दूसरे जो इलाके में अभी भी जंग है उनके लिए सवात और मैंगोरा पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि कैसे उन लोगों को जो थोड़ी बहुत उनके लिए सपोर्ट की गई है वो उन तक कैसे पहुंचे। शुक्रिया।